गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मेरी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी थी बहुत ही पहले। मैंने अभी नहा लिया, अपने हेयर को वॉश किया और बाबू अभी उठा है सोकर, तो आ गया मेरे पास, चिपक गया आके मुझसे बोला मम्मा पहले मुझे ब्रश करा दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो करा दे, सबसे पहले इनको थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है मम्मा से, उसके बाद इनको कोई और काम आ दे। तो चलो ही पहले हम इनको ब्रश करा देते, उसके बाद अपना अपने बालों को सुलझाते हैं और अपना थोड़ा सा मेकअप करते हैं। मैंने बाबू को ब्रश करा दिया है और बिस्किट दे दिए तब तक खाने के लिए। मैंने कहा तब तक तुम ये खाओ, मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ तब तक। और क्योंकि अभी मैंने अपने सिंदूर नहीं लगाया है, क्योंकि आज मैंने अपने बालों को धुला था, तो बाल धुलने के बाद मैं सिंदूर को पूरा भरकर लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले ये मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि किचन में एक बार चले जाना तो जल्दी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है गाइस। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फेस में लगाते हैं एलोवेरा जेल, क्योंकि अभी समर है तो कोई भी कोल्ड क्रीम हम अपने फेस पर नहीं लगाते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है। तो सिर्फ मैं एलोवेरा जेल लगा ले रही हूँ सिंपल सा, नहीं तो मैं गुलाब जल भी सिंपल लगा लेती हूँ ऐसे ही। और अभी मैंने लगा लिया है अपने फेस पर एलोवेरा जेल, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। तो आप मॉर्निंग में या फिर नाइट टाइम इसको ज़रूर एक बार लगाइए अपने फेस पर। और आपने देखा होगा मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, बस हल्की लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी बिंदी मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो देखिए मैंने एलोवेरा जेल को अपने फेस पर पूरे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरी स्किन। अब मैं लगाने वाली सिंदूर, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सिंपल रहना ही मुझे पसंद है। सो गाइस मैं लगा रही हूँ सिंदूर, ये सूखा सिंदूर है जिसको हम जब अपने बाल धुलते हैं तो उस दिन हम इस पूरे सिंदूर अपनी मांग भर कर लगाते हैं, नहीं तो डेली और बाकी के दिनों में हम लिक्विड वाला सिंदूर भी लगा लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम बाल धुलते हैं तो पूरी मांग भरकर सिंदूर, सूखा सिंदूर इस तरह से लगाते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस ऐसे ही मेरा सिंपल सा मेकअप रहता है सुबह सुबह का। और होंठों पर हम लिप बाम लगा लेंगे, नहीं तो कोई भी बेबी लिप भी हम आती है जो मार्केट में बिल्कुल लाइट होती है वो हम लगा लेते हैं। यहाँ भी अभी तो मैंने यही लिप बाम लगा लिया है अपने होंठों पर, क्योंकि सुबह सुबह से लिपस्टिक लगाना और फिर काम करना बड़ा आफत लगता है मुझे। मैंने लगा ली है बिंदी, इसके बिना तो मुझे मेरा श्रृंगार अधूरा लगता है, बिंदी के बिना जैसे लगता है मेरे फेस पर रौनक ही नहीं है बिना बिंदी के, है ना। तो बिंदी तो हम ज़रूर लगाते हैं। सो ऐसी सिंपल सा है हमारा मॉर्निंग का मेकअप। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, किचन में नाश्ता बनाना है मुझे, सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी। हस्बैंड मेरे जाएंगे तो उनको बनाकर दूंगी कि वो क्या ले जाएंगे, उनसे पूछेंगे, फिर उनको टिफ़िन बनाकर भी देना होता है। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं गाइस। और देखिए मैंने अपने बालों को इस तरह से साइड में कर लिया है, तो इस तरह से हम अपने बालों को भी साइड से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप अपने बालों को साइड में थोड़ा सा कर लीजिए तो भी अच्छा लगता है, अच्छी हेयर स्टाइल होती है ये भी इस तरह से भी। फ्रेंड्स अभी हम दोनों लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, अभी मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है और नाश्ता भी दे दिया है इनके पापा को, अभी को खिला दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया, तो हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद अभी को आज जाना है अपने पापा के साथ मार्केट, क्योंकि अभी को लेनी है अपने लिए साइकिल। अभी बहुत दिनों से बोल रहे थे साइकिल लेने के लिए, इनके पास एक साइकिल है और आपने इनकी कार भी देखी है, साइकिल है इनके पास, लेकिन साइकिल में थोड़ी सी वो ख़राब हो गई तो इनको अब न्यू साइकिल चाहिए। तो आज ही अपने पापा के साथ जाएंगे न्यू साइकिल लेने के लिए, और मैं नहीं जाऊँगी, बस अभी जाएंगे और इनके पापा जाएंगे। तो जब इनकी साइकिल आ जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी साइकिल कैसी आएगी, मैंने पसंद करके रखाई थी ना, तो आज इनके पापा और ये जाएंगे साइकिल को लेकर आएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी साइकिल लेकर आए। और गाइस कल का वीडियो आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा हो तो आप लोग देखना कि मैंने कल एक वीडियो डाला था अपने पैरों का दर्द हम कैसे दूर करते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो गाइस एक बार ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी मैं ये देखी ये किलो कैसे बढ़ाएंगे,
तो गाइस देखिए अभी हम चलते हैं बाहर, तो देखिए बाहर आ गई है अभी की साइकिल जो अभी के पापा और अभी लेने गए थे। तो ये आ गई उनकी साइकिल बाइक से, ऐसे उसने जहाँ से हम लोगों ने साइकिल को लिया था तो उन्होंने इस तरह से बाइक में बांध दी थी। और अब हम इसको खोल रहे हैं, बहुत सारी इसमें उसने इतनी अच्छे से बांधा हुआ है कि आराम से ये साइकिल आ गई घर तक, कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो देखिए अभी की खुशी, कितने खुश हैं अभी, और अभी की साइकिल कैसी लग रही है। और ये एवॉन की साइकिल है, वैसे इनके पास साइकिल आपने देखा होगा, कार भी देखी होगी, साइकिल भी देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वही है ना, बच्चों के पास जितना होता है बच्चों की कमी ही बनी रहती है। तो इनको अभी न्यू साइकिल चाहिए थी, तो बर्थडे से पहले ही इनका आ गया है गिफ्ट। हर साल ऐसा होता है कि अभी का बर्थडे से पहले ही गिफ्ट आ जाता है, हर बार मैंने देखा है। कुछ भी हम इनको बर्थडे के लिए देने के लिए सोचते हैं तो, लेकिन इनका बर्थडे से एक महीने पहले ही हमेशा आ जाता है, हमेशा ऐसा हुआ है। मतलब अगली बार हमने इनको कार दी थी बड़ी वाली, वो भी बर्थडे से एक महीने पहले ही आ गई थी। उससे पहले साइकिल लाए थे, वो भी एक महीने पहले ही आ गई थी। उससे पहले भी गिटार पियानो वगैरह लाए थे, तो वो भी एक महीने पहले ही आ गए। तो मतलब एडवांस में इनका गिफ्ट चलता है। तो देखिए गाइस इनकी साइकिल कैसी लग रही है आपको। और ये अंदर ले आया है साइकिल रूम में, और अभी इसका पूजन होगा गाड़ी का, साइकिल का सॉरी। जब भी हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं कार खरीदते हैं तो उसका पूजन होता है ना, तो अभी ने कहा मम्मी मेरी साइकिल का भी पूजन कर दो, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी साइकिल का भी पूजन कर देते हैं। तो देखिए अभी की साइकिल का हो रहा है पूजन। इस पर हमने स्वास्थ्य किस तरह से बनाया है, और बच्चों को ना इतनी खुशी होती, कह रहा मम्मी मेरी साइकिल की भी पूजन कर देना, मेरी साइकिल का भी पूजन कर देना। मैंने कहा ठीक है, फूल भी चढ़ा देना, उसको मीठा भी चढ़ा देना। हमने कहा ठीक है भैया सब करेंगे। तो देखिए स्वास्तिक बना दिया है इस तरह से, और इसमें चावल भी लगा दिए, मीठा भी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है, और ऐसे फूल भी लगा दिए। फूल लगा कर ना इतना खुश हुआ अभी, फूल जब लगे। चाबी है, चाबी मम्मी मेरी चाबी का भी पूजन कर दो, तो अब चाबी का पूजन हो रहा है। कितनी खुशी होती है ना बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और अब ये सारे दिन की बस ऐसे ही बाहर साइकिल चलाएं, लेकिन अभी यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह चला है ना, तो ज़्यादा लेकर नहीं जाएंगे बाहर, बस अंदर ही अंदर चलाएंगे, नहीं तो थोड़ा पार्क में लेकर चले जाया करेंगे शाम को, अभी बाहर लेकर नहीं जाएंगे। तो अभी देखिए इनकी खुशी, कितनी खुशी है इनके। तो अभी ये शुरू हो गई अपनी साइकिल को चलाना, और बड़ा मतलब एक्शन दिखा रही हैं, अभी घंटी भी बजा के दिखा रही हैं अपनी। सो गाइस कैसी है साइकिल, ये मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी, और इसका जो टायर है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसने गारंटी भी दी है इसकी, कि कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप आइए हमारी शॉप पर लेकर। फूल देखिए कैसे लगा है साइकिल में। अच्छी लग रही है ना, मुझे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन बस थोड़े दिन तक है साइकिल, उसके बाद टूट टूट तोड़ के बराबर कर देंगे अभी इसको। बच्चों का यही होता है ना, कितना भी इन्हें अच्छी चीज़ दिलवा दो लेकिन ये तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। और इनकी खुशी तो आप देख ही रहे होंगे, कितनी ज़्यादा खुशी है इनको। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, वैसे कुछ आज के ब्लॉग में था नहीं, सिंपल सा ही था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस बाय बाय।